गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आज स्टार्ट करते हैं हम अपना जो एग्जाम है अग्निवीर का, उसके बारे में बच्चों से जानते हैं कि आज की शिफ्ट का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। चलिए, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम आयुष कुमावत है। ओके आयुष, आज का जो पेपर था वो कैसा था, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सिंपल था, मतलब जीके तो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड था और साइंस थोड़ी हार्ड थी और मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। मैथ्स और रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? रीजनिंग में तो वही सिंपल सा था, ABCD लिख दी और उसमें ऐसा पूछ लिया ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, बस ऐसा सिंपल सा। और तीन तीन, मतलब तीन तीन के ABCD के अंदर देखा जाए तो तीन तीन को छोड़ के इसके बाद H दे दिया ऐसे करके, ABCD मतलब ऐसे तीन गैप करके दे दिया कोई क्वेश्चन, ऐसे करके बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मतलब 2500 का 10% पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन थे बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिसकी मेहनत। अच्छा, पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा थे? मैथ्स में परसेंटेज से और औसत से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और GS का लेवल कैसा था? GK का लेवल जैसे करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे थे, जैसे कि थल सेना के प्रमुख कौन है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, कल वायुसेना के प्रमुख पूछ, आज वायुसेना का प्रमुख पूछ लिया, कल थल सेना का पूछा था, और अब शायद हो सकता है कि अब इंडियन एयरफोर्स का पूछ ले, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। आपका टोटल कितना स्कोर कितना रहा आपका? मेरा 35+। स्कोर मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर है लगभग सभी के एग्जाम देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए जानते हैं आज का पेपर कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम नवनीत राठौर है। कहाँ से आप? कानड़ से। पेपर कैसा गया? पेपर सर अच्छा था, बट थोड़ी सी जो साइंस थी वो थोड़ी अप थी, बाकी फिजिक्स, बाकी मतलब फिजिकल थोड़ा उसमें अच्छा था। मैथ्स रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं? मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से पेपर गया इनका, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इनके, जिसके समकोण का माप कितना, मान कितना होता है 90 डिग्री वगैरह, और बहुत सारे और ज़्यादातर लघुत्तम समावर्तक और एक औसत जो एवरेज के चैप्टर, ये इससे ज़्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे अभी तक दो तीन दिन में से अपना पेपर हुआ है तो उसमें कह रहे हैं कि बच्चे रीजनिंग बहुत इजी लेवल पर आ रही है, तो आज कुछ चेंजेस था रीजनिंग में या सेम एज इट इज़ वही पैटर्न था? सेम वही था, कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन आए थे, बाकी और पता नहीं है। अच्छा, मैथ्स में और किस परसेंटेज के अलावा और कोई टॉपिक जो आपने देखा हो वहाँ पर? एवरेज था एक, ये अपना बेसिक था उसमें, जिसके मतलब लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक वगैरह यही था और कुछ नहीं। GS का लेवल, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट से रिलेटेड उतना कि ये छत्तीसगढ़ का CM कौन है, तो छत्तीसगढ़ का CM भजन ला, वो क्या नाम उसका, देसाई, कुछ देसाई नाम था उसका, नाम भूल गया मैं थोड़ा वो, और करंट का तो एक ही आया था बस। अच्छा, और बाकी किसी टॉपिक से हिस्ट्री, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन? इसमें सब बहुत गहरे क्वेश्चन थे, बहुत दिक्कत आई साइंस को करने में, पर ठीक करा। चलिए, टोटल कितना टाइम रहा आपका लगभग? लगभग तो यही 40 तक बता सकता हूँ, 40 एवरेज। काफ़ी अच्छा पेपर रहा था, ठीक है, थैंक यू। जानते हैं आज का हमारा जो अग्निवीर का पेपर था वो कैसा रहा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, बच्चों से जानते हैं। जी, आपका नाम? अभिषेक। ओके, आपका नाम? सुशील वर्मा। ओके, कहाँ से हैं आप? उज्जैन से, पीतमपुर। पेपर, आज का जो पेपर था वो कैसा था, उसका पैटर्न कैसा रहा? अभी तक जो दो तीन दिन के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेम एज इट इज़ वैसे ही लेवल था, उससे रिलेटेड थे, तो क्वेश्चन बताएं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे बच्चे किस टाइप से प्रिपरेशन और तैयारी कर सके, कुछ बताएं क्वेश्चन कैसे थे? ठीक है जी, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का तो टेंशन नहीं, बिल्कुल पहली दूसरी वाले का पूछ रहे हो। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है ना, थोड़ा मतलब हल्का सा लेवल आसान निकाले। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं GK GS में? GK में आ रहे हैं जैसे कि मेरे पास है एक दो क्वेश्चन। अच्छा, बताइए आज, अब तक आप बताइए कि आपका क्वेश्चन कैसे थे? वैसे रीजनिंग और मैथ्स के तो अच्छे थे, जैसे 20 में से 18-19 भी कर सकते बच्चों, और जैसे GK के थोड़े करंट अफेयर के आ रहे थोड़े ज़्यादा, और साइंस के थोड़े आ रहे हैं पर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा एग्ज़ाम पेपर पर। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद हो आपको? वैसे पूछा था कई वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, वही है, ऐसे उससे रिलेटेड कोई पूछ जाता है। करंट अफेयर के बाद 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो स्ट्रेटेजिक GK पॉलिटिकल हिस्ट्री से आते हैं। अच्छा, साइंस का लेवल कैसा था? साइंस लेकर थोड़ा सा टफ था, पर उसे करने में तो कर लेते हैं, उसे अब थोड़ा सा टफ ही आता है उसे पेपर तो। मैथ्स और रीजनिंग तो नॉर्मल ही वो तो इजी आते दोनों। जी, आप बताएं किस टाइप के क्वेश्चन थे? मछलियाँ कहाँ श्वसन क्रिया कैसे करती है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है, तो बस ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे। मैथ्स और रीजनिंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल पहले दूसरे का पैटर्न आ रहा है, और रीजनिंग भी बिल्कुल इजी आ रही है। रीजनिंग और उसके बाद थोड़ा GS का थोड़ा लेवल टफ है थोड़ा सा, मतलब मेन देखा जाए तो GS में साइंस का लेवल बैकग्राउंड थोड़ा टफ आ रहा है, बाकी नॉर्मल इजी आ रहा है। आपका कितना टोटल अटैम्प्ट करा? मैंने 45 करे टोटल 45 के, जिसमें से हाँ मतलब 45 जो याद थे वही। चलिए, थैंक यू सो मच।
जानते हैं आज का पेपर अग्निवीर का कैसा रहा और क्वेश्चंस के बारे में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी, आपका नाम? विष्णु परमार। ओके, कहाँ से आओ विष्णु? सर, मैं इंदौर जिले का हूँ, मेरा गांव चित्तौड़ा है। और जी, अब बताएं बच्चों को, सीरियसली बताना एग्जिट की मैथ्स रीजनिंग और जीएस का जो लेबल है, पहले सबसे मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? सर, उसमें स्क्वायर के पूछे जा रहे हैं और ये औसत पूछे जा रहे हैं और ये इसका समकोण के बारे में पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग का लेबल? रीजनिंग में भी सर सरल ही है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग और ये पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, साइंस आ रहा है, या फिर हम देखें करंट के क्वेश्चन दो तीन देखने को मिल ही रहे हैं, हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो बच्चों को ये बता सकते हैं कि भाई आगे जो तैयारी करनी है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं? सर, साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत मतलब हाई लेवल के आ रहे हैं, और ये जनरल में मतलब ये अपने करंट अफेयर्स में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, और बाकी वही इतिहास और इनके बारे में आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो जो आप बता सकते हैं? सर, पोटेशियम का सूत्र पूछा गया था तो मैंने K2SO4 आंसर लगा दिया। इसके अलावा साइंस लेवल टफ था, उसके अलावा कोई क्वेश्चन जो याद हो? सर, उसके अलावा नहीं याद है। सर, याद नहीं आ रहा है। तो टोटल कितना स्कोर रहा आपका? सर, स्कोर तो मुझे लगता है वहाँ तक हो जाएगा, मतलब वो क्वालिफाइड तो हो जाएगा। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।